इसके अंदर कितने बकरे हैं अभी? इसके अंदर चार बकरे, चार बकरे एक साथ बनते हैं, एक साथ माशाल्लाह। ये तो आ गया भाई, बहुत सारे बकरे और अंदर एक पूरा सालिम बकरा जो है ना वो भी अंदर रखा हुआ है। ये लीमू के तड़के पे तड़के लगे जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो पहले भी लीमू डालते हैं क्या? सर ये ब्राउन कढ़ाई है। अच्छा, ये ब्राउन कढ़ाई में पहले नमक के साथ लीमू डाला जाता है। कोई खास मसाले डालते हैं आप? क्या ऐसी बात, क्या है सीक्रेट, क्या है राज, क्या है ये? राज बताते नहीं है, बाकी अल्लाह की मेहरबानी है। दाल मखनी है मेरी। ये ड्रमस्टिक की एक सीखों की सीखें माशाल्लाह निकल रही है। कढ़ाई रोटी हमारी स्पेशलिटी है, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी सिवाय हमारे। ये देखिए भैया, ओए होए 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 होए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूं भाई हैदराबाद में, और हम आए हैं आज बलूचिस्तान, बरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट पे। और आप देख सकते हैं कि कढ़ाइयों का बहुत ही ज़बरदस्त अल्टीमेट सीन बना हुआ है। इसके अलावा इनका मटन दम पफ, जो पूरे पूरे बकरे इनके जो है ना वो बनते हैं, वो बहुत ही आला होते हैं। इसके अलावा देसी मुर्ग की कढ़ाई है, काफ़ी ज़बरदस्त सीन है, मटन नमकीन है, और अलग ही सीन बना हुआ है, अलग ही माहौल बना हुआ है। तो ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और टेस्ट करते हैं, तो फिर चलें। भाई हमारे साथ मौजूद है आशिक अली बरोही भाई, जिनका ये रेस्टोरेंट है माशाल्लाह से, बरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट, और इसने जो है ना वो धूम मचाई हुई है यहाँ पे माशाल्लाह, बकरों के बकरे लगे हुए लाइन से। तो ये क्या राज है ऐसा जो बरोही की धूम मची हुई है? ये अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, समझा ना, चीज़ अच्छी खिलाते हैं, अच्छी माना क्वालिटी होती है, फ्रेश चीज़ होती है सोया सप्री में, समझा ना, और लोग जाहिर है पैसा देते हैं तो उनको चीज़ अच्छी खिलाएंगे तो आएंगे भी। तो कितने कितने टाइम हो गया रेस्टोरेंट को? इसको सातवां साल। सातवां साल? सात साल। अच्छा अच्छा, तो ये जो कढ़ाई की है इसके अंदर कोई ख़ास मसाले डालते हैं आप? हाँ। क्या ऐसी बात, क्या है सीक्रेट, क्या है राज, क्या है ये? राज बताते नहीं हैं, बाकी अल्लाह की मेहरबानी है। वाह, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर है कराची आता है, पूरा सिंध आता है, उनको गर्म चीज़ हर चीज़ फ्रेश मिलती है, तो आते हैं बकरे सामने बगैर पानी के, समझे ना, टंगे हुए हैं, यहीं काटते हैं, यहीं खिलाते हैं लोगों को। देसी मुर्गा है, वहीं काटते हैं, वहीं मक्खन में खिलाते हैं। भाई बलूचिस्तान तो मशहूर है अपनी मेहमान नवाजी के लिए, और अभी रेस्टोरेंट में हम आए हैं और हमारे लिए जो है ना वो चाय आ गई है ज़बरदस्ती। हाँ ये देखें भैया, अब यहाँ पे ये देसी मुर्गे सारे यहाँ पे पिंजरे के अंदर रखे हुए हैं, और यहीं पे मुर्गे जो है ना वो यहाँ पे तोले जाते हैं और ज़िबा किए जाते हैं हाथ के हाथ फ्रेश फ्रेश। ये भाई जो है यहाँ पे ये देसी मुर्गे जो है वो भी तैयार हो रहे हैं। 4 बजे तक खुला होता है? रात 4 बजे तक, 5 बजे तक, 4-5 बजे तक, सुबह तक जो है ना वो कढ़ाई चलती रहती है भाई। जी जी। तो ये ब्रायलर भी होती है, देसी भी होता है? ये ब्रायलर है, वो देसी है। देसी है। ब्रायलर क्या हिसाब है? 1500 रुपये। ये देखिए आप माशाल्लाह, ये लाइन से जो है ना वो बकरे टंगे हुए हैं। तो ये अभी हुआ है, असल में क्या टाइम हो रहा है, 8:20, 10 बजे के अराउंड जो है ना वो यहाँ पे पीक टाइम होता है, 10 बजे 11 बजे, और सुबह 4 बजे तक सीन चलता रहता है। ये भाई मलाई बोटी भी काफ़ी फेमस है यहाँ की है। मलाई बोटी हमारी स्पेशलिटी है, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी सिवाय हमारे। पक्की बात है? पक्की बात है, कन्फर्म। ये देखें आप मलाई की मलाई निकल रही है यहाँ पे, इतने सारे क्रीम के डब्बे रखे हुए हैं और ये मलाई बूटी तैयार हो रही है। ये देखिए आप, ये हमारा बरोही स्पेशल कबाब, बरोही स्पेशल कबाब, इतने आ गए, यही है मलाई बूटी स्पेशल है, ये मलाई अच्छा, ये स्पेशल है, ये मलाई है। तो ये जो बारबेक्यू हुई हुई है इन्हीं के ऊपर मलाई लगाई है ना? ये इसके ऊपर ही लगी है मलाई, ये मैरिनेट हुआ हुआ मसाला है। अच्छा, ये मैरिनेट हुआ हुआ मसाला है। अच्छा, इस मसाले को अब आप इस क्रीम के अंदर डाल रहे हैं? अच्छा, ये कोई ख़ास अलग तरह की रेसिपी है ये? अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे सिवा कोई मिलेगी नहीं आपको। अच्छा, पहले बारबेक्यू होती है उसके, अच्छा मलाई लगने के बाद फिर बारबेक्यू होती है? फिर होती है, फिर सेट के पीछे जाता है, फिर सेट के वापस आता है। ओह,
भाई मलाई बोटी भी यहाँ पे की जो है ना वो स्पेशल है और काफ़ी अलग तरीके से बनाई जा रही है। पहले जो है ना वो बोटियाँ जो है वो बारबेक्यू होती हैं, बारबेक्यू होने के बाद यहाँ आती हैं, यहाँ आने के बाद एक क्रीम के अंदर ये स्पेशल मसाला मिक्स करके उन पूरी बोटियों के ऊपर उसको लगाया जाता है तो एक मलाई बोटी तैयार हो जाती है। लेकिन एक मलाई बोटी स्पेशल होती है जिसमें ऊपर तिल भी डाले जाते हैं और मलाई की कोटिंग होती है, उसके बाद फिर वो दोबारा यहाँ पर आके ये देखें यहाँ पर दोबारा बारबेक्यू होती है। तो ये एक बहुत ही अलग आइटम है जो मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसको भी ट्राई करेंगे। उसके बाद एक और मलाई की लेयर आ गई भाई, ये देखिए भाई आप ये ड्रम स्टिक्स, ये मलाई बोटी ग्रीन बोटी, तो ये ग्रीन बोटी है, ये ड्रम स्टिक्स की एक सीखों की सीखें माशाल्लाह निकल रही हैं। वाह बाबा जी क्या हाल है, ये जरा अंदर तक सीख जाएगी है इसलिए कट लगा रहे हैं ना, अंदर अक्सर होता है रेडनेस रह जाती है, इससे रेडनेस नहीं रहेगी। हमारे पास फिश भी होती है, फ्रेश फिश होती है बिल्कुल ना, ये देखिए बिल्कुल ताज़ा होती है। कौन सी फिश है, काली रहू होती है वहाँ पर, काली रहू जी हाँ बहुत चलती है अपने पास। ये भी ग्रिल होती है क्या, होती है ग्रिल्ड होती है वहाँ पर। और आपका जो दमपुख्त है हाँ वो काफ़ी मशहूर है, हाँ दमपुख के उनके साथ जो यखनी में चावल बनते हैं तो वो ज़्यादा मशहूर है, छोटा बच्चा भी उसको खाता है तो बुढ़ा भी खाता है, जवान भी खा जाता है, लज्जत बहुत अच्छी आए। आप लोग बलोचिस्तान में किस इलाके से, हम जकबा बाटी पुल साइड के ऊपर सारा काम हो रहा है, सारा लकड़ी के ऊपर काम, गैस के ऊपर काम नहीं है। वजह इसकी क्या है, वजह घोटकों में जो लकड़ी में और जायका उसका अच्छा होता है, जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, लकड़ी की बात अलग है। चले जबरदस्त, ना मेहरबानी आपका शुक्रिया, आप आए हो ना ना हमारी हौसला अफजाई करिए आपने। ये क्या सीन है, ये मंदी है सर चावल के साथ दमपोक, वही दमपोक जो है ना, हाँ वही, ये भी बन गया तैयार हो गया, ये स्टीम हो गया, स्टीम हो गया, ये अभी सिकाई होगी इसकी 10-15। इसके अंदर कितने बकरे हैं अभी, इसके अंदर चार बकरे एक साथ बनते हैं, माशाल्लाह एक बकरा साबुत भी है इसके अंदर, नहीं यार निकाल लो, निकालो ना, निकालेंगे ये भाई माशाल्लाह चार बकरे इस पूरे इसके अंदर हैं और एक पूरा सालिम बकरा भी है जिसका ऑर्डर आया हुआ था। यहाँ पे ये लग रही है पीछे कढ़ाइयाँ लाइन से, एक पूरा एक स्टेशन है कढ़ाइयों का और एक वो पूरा उधर से वहाँ से वहाँ तक स्टेशन है कढ़ाइयों का, ज़बरदस्त सीन है। क्या हाल है उस्ताद जी, अरे तो ये इसके अंदर रखने की भी कोई टेक्निक होती है कि पहले इस तरह के बोटियाँ रखिए, पहले फिर उस तरह की रखिए, ऐसे ही एक एक रखते, सीना सबसे पहले ऊपर रखते हैं क्योंकि उसमें चर्बी होती है ना, सबसे नीचे रान आती है, सबसे नीचे रान आती है, ये दस्ती आ गई है पूरी, ओए होए होए ये रान है, ये रान आ गई, ये भाई गोश्त का पूरा पहाड़ बनता जा रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना ये चाप है इसके, ये तो आ गया भाई बहुत सारे बकरे और अंदर एक पूरा सालिम बकरा जो है ना वो भी अंदर रखा हुआ है सबसे एंड में, अभी ये सालिम बकरा, ये सालिम बकरा आ गया, ये भाई सालिम बकरा आ गया माशाल्लाह। अच्छा ये स्टीम हो गया है, स्टीम हो गया, अभी सिकाई होगी, अभी एक सिकाई होगी, ये पूरा बकरा जा रहा है भाई इधर, ये पूरा बकरा कितने का होता है, ये 8 किलो का है, 3200 रुपये किलो है। अच्छा किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से स्टीम हो गया, स्टीम के बाद इसके ऊपर जो है ना वो स्पेशल मसाला रखा हुआ है वो इस पूरे बकरे के ऊपर डाला जा रहा है, इस तरह ये इनके ऊपर भी डाला जाता है। ओह लीमू, ये क्या नाम है आपका, पुनल भाई है ना, वो स्पेशल तरीके से बना रहे हैं बहुत, वालेकुम कैसे हैं, ठीक है, हमारे चिमा भाई थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, लाइक करते हैं आपकी वीडियो, ये बहुत शुक्रिया थैंक यू। आधा किलो और ये पीसेस के हिसाब से जा रही है, वसीम अपने किलो आधा किलो है, यानी कि आधा किलो का मतलब ये 1600 रुपये की है जी सर जी, गुड यार। राइस समेत आधा किलो में आधा किलो राइस होता है, अच्छा आधा किलो में आधा किलो की छाप होती है गर्दन, ये 1600 रुपये की है भाई, ये पूरे के पूरे जो है ना बकरे यहाँ पे पूरे रखे हुए हैं
जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे उनको मसाला लगा के सेकते जाएंगे। और ये आप वेट चेक करें, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है और ऊपर जो है ना वो पूरा फैमिली एरिया वगैरह भी है, वहाँ पे भी सिटिंग एरिया है माशाल्लाह। ये पार्सल ऐसे होता है क्वाल। ये देखिए भाई, मसाला लगने के बाद जो है ना ये थोड़ा सा कड़क हो गया है, सिकाई हो गई ना, थोड़ा सा जरा सिक गया है और कड़क हो गया है थोड़ा। ये नींबू के तड़के पे तड़के लगे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। आपने मेरी कश्मीर की वीडियोस देखी या नहीं देखी? वो जो आप ट्रैवल किया था लाहौर वाली तो सारी देखी है। वो जो चाचा के साथ लस्सी पीते हैं ना, जो सुबह सुबह नाश्ते करता है, उसका तो मजा। कश्मीर की भी वीडियोस आप देखी, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक भी ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप लोग दे सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर। हम अभी ये सारे मतलब स्टूडेंट ही आए थे, मैंने आपको उधर से देखा, मैंने कहा जो है ना ये पहली दफ़ा जो है ना कोई बंदा मिल रहा है मुझे यूट्यूबर, तो बहुत मेहरबानी। ये भी हमारे भाई हैं सिब्बी से। आप सिब्बी से? हाँ जी, ये सिब्बी से। ये देखिए पाकिस्तान की ब्यूटी है, सिब्बी, कश्मीर, कराची और खड़े हम हैदराबाद। हैदराबाद माशाल्लाह। चलो चले, ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। सुनील भाई, ये यहीं पे खाएंगे या लेके जाएंगे पार्सल? ये पार्सल है, यहीं पे खाते हैं, वो भी ऐसे ही जबरदस्त। और इधर बना हुआ है भाई ये पूरा कढ़ाई स्टेशन। क्या हाल है साजी? खैर है, मजे में। क्या नाम है आपका? अवेश खान। अवेश खान जी, कढ़ाई तैयार हो रही है? जी सर, हो रही है। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, मजे में भाई माशाल्लाह। एक दो तीन चार, चार लोग यहाँ कढ़ाई बना रहे हैं और इसी तरह वहाँ पे भी एक दो तीन चार, चार लोग वहाँ कढ़ाई बना रहे हैं, आठ बंदे जो है माशाल्लाह कढ़ाई बना रहे हैं। देसी मुर्गी लग रही है मुझे। जी हाँ, ये देसी मुर्गी वाली। ये सामने देखें लकड़ी का कितना बड़ा ढेर बना हुआ है, वहीं से लकड़ियाँ यहाँ आती जाती हैं और ये रखी होती हैं, इसके अंदर ये डालते रहते हैं। ये है मटन पकौड़ा। मटन पकौड़ा? मटन पकौड़ा वाकई में? हाँ, ये मटन पकौड़ा है। क्या मतलब पकौड़ा? ड्राई होता है, ड्राई आइटम होता है, ड्राई आइटम। अच्छा, रोस्ट टाइप का। अच्छा, तो कढ़ाई होती है? कढ़ाई में नहीं है, कढ़ाई में मटन पकौड़ा बनता है। हाँ, ड्राई आइटम रोस्ट टाइप का बनता है ये। आधा किलो मटन का पकौड़ा हमारा भी मैं बनवा दूँ, आधा किलो कटवा दे बेटा। आधा किलो कढ़ाई होगी, आधा किलो मटन पकौड़ा हो गया, एक किलो हमारा दम पोख्त हो गया और एक मलाई बोटी हो गई, ड्रमस्टिक हो गया, ड्रमस्टिक भी हो गई, फुल जबरदस्त बनी हो गया माशाल्लाह। मैंने आपका ऑर्डर वीआईपी करके लगवा दिया, बेहतरीन से होगा, मैं आपको सर्व कर दूंगा। आपका नाम भूल गया? मेरा नाम इदरीस। इदरीस भाई बहुत आला, मेहरबानी। क्या बात है, A19 ये भाई नंबर आया कढ़ाई का, A19 A19। ये देखो भैया, ये लीमू, टमाटर, हरी मिर्चे, ये दूसरा स्टेशन है कढ़ाई का और यहाँ पे भी माशाल्लाह कारीगर लगे हुए। सिकंदर भाई क्या हाल है? और सर खैरियत है? अच्छा, पहले भी नींबू डालते हैं क्या? सर ये ब्राउन कढ़ाई है। अच्छा, ये ब्राउन कढ़ाई में पहले नमक के साथ नींबू डाला जाता है? ये ड्राई होगी ना? जी ड्राई, इसमें खाली अदरक और धनिया, काली मिर्च और धनिया जीरा, बस ये। जबरदस्त चीज बना हुआ भैया, दाल मखनी बन रही है। वाह, ये दाल मखनी तैयार हो रही है भाई, दाल मखनी तैयार हो रही है। तैयार हो गई आपकी सारी? देखी तुर्की वाली और दूसरे से। उसमें क्या है? राइस, राइस, राइस है। अच्छा अच्छा, और बकरा इसके अंदर है ना अभी? ये दमपुख में कितने बकरे बनते रोज? 20-25 निकलते हैं। 20-25 बकरे? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, 20-25 बकरे निकलते हैं दमपुख में। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं निसार भाई? ठीक है आप बताएं, सब खैरियत से हैं? मजे में, फर्स्ट क्लास दुआएं। भाई आशिक भाई जिनसे हम अभी मिले थे उनके साहबजादे हैं निसार भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या खैरियत है निसार भाई? आपने फुल माशाल्लाह जबरदस्त माहौल बनाया है ये। जरा नहीं, ये तो यार ऑब्वियसली लगाया, अभी उनके आए। ये बताएं
आशिक भाई से तो हमने पूछा भाई, उन्होंने कहा राज जो है ना वो बताने का नहीं है, आप ही कुछ बताएं ये माशाल्लाह क्या राज है। नहीं, राज तो कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, चीज़ में कोई कम्प्रोमाइज करते नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे भाई हमारे कस्टमर जहाँ से आते हैं दूर से, हमको सबसे पहले मोहब्बत मिलती है यहाँ पे, उसके बाद हमको हम खाना स्वस्थ करते हैं। अच्छा, खाने में तो आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। सही बात है भाई, मैं असल में थोड़े दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ आया था और उस वक्त मेरी भाई से मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा था कि तुरंत मैंने सोच लिया था कि भाई यहाँ की वीडियो तो बनती है, बनती है, जो बनती है भाई, बनती है। ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा एहसान है, भाइयों की दुआएं। अभी आज जो हम चीज देख रहे हैं उसके पीछे मेहनत, मेहनत है इंसान, लगन, लगन है सबसे बड़ी बात, इंसान की नीयत है, ये जिसकी साफ होती है अल्लाह उसकी मंजिल ऐसे ही आसान करता है, ऐसे ही आसान करता है। दूसरी बात, ये अकलाल काम है, हो रही है आपको पता है हर चीज का। उस्ताद क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। आप यहाँ ऊपर सर्विस कर रहे हो? जी सर। ये फैमिली रूम है? फैमिली हॉल है सर। ये देखें भाई, ये पूरा फैमिली है, ये यहाँ पे भी ये फैमिली का सारा सीन है, और यहाँ नीचे आप देखें क्या जबरदस्त सीन चल रहा है। हाँ भाई, मटन पकौड़े का नंबर आ गया, ये रहा मटन पकौड़ा तैयार हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर लगाते हैं कुछ? अंडे की कोटिंग लगाते हैं ये, तब सूजी लगाए, सूजी के बाद अंडे की कोटिंग, उसके रोल करके ऑयल में डालते हैं। ये है मटन पकौड़ा, ये ब्रोस्ट स्टाइल का बन गया। हाँ, ब्रोस्ट स्टाइल का बनता है, ये बनता ही ब्रोस्ट स्टाइल, गार्निश करेंगे इसको। ओके, हो गया भाई, ये आ गई वाइट कढ़ाई, वाइट कढ़ाई मटन पकौड़ा। क्या बात है भाई, क्या बात है, मटन पकौड़ा भी तैयार हो गया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ज़बरदस्त। ये है चिकन पकौड़ा, वो मसाला डालेगा, मसाला डालेंगे अभी आप, ये भी देखो इसमें यही मसाले डलते हैं सारे। चिकन पकौड़ा बन रहा है, ये चिकन पकौड़ा बन रहा है, मटन में भी यही डलता है, चिकन में भी यही डलता है। ये जीरा, धनिया, कुटी मिर्च, काली मिर्च, हाँ ये सारा माल इसमें यही डलता है कढ़ाइयों में। ये हमने बोला भाई हमें टेस्ट करना है, ये नया आइटम है, ऐसा करके बनाइए तो बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। ये अब इसमें पानी डाल के ये पानी में पकेगा, उसके बाद जो है ना अंडे की कोटिंग होती है, जैसे ये अंडे की कोटिंग की, अंडे की कोटिंग करने के बाद ऑयल गर्म होगा, ऑयल में डलेगा, ब्रोस्ट टाइप का बनता है, ब्रोस्ट टाइप का। लेकिन इसके अंदर मसाले, ये थोड़ा चटपटा भी होगा ना? यहाँ ये सारे मसाले डल गए ना, इसके मसाले डल गए, चटपटा ये सारा जब्त करेगा। ये मटन नमकीन है, मटन नमकीन यहाँ की जो नमकीन बोटी जो है ना, ये बहुत मशहूर है यहाँ की, ये जो रेसिको में लगी हुई है ना, ये हल्के हल्की आँच में बनती है और इसमें तकरीबन एक घंटा लग जाता है, तकरीबन 45 मिनट की नमकीन बोटी निकल के आ जाती है, माशाल्लाह हलवा हो जाती है। तैयार होने के बाद काली मिर्ची छिड़कते हैं इसे, सही है, काली मिर्ची छिड़क के नींबू जो है इसके ऊपर छिड़क देते हैं इसे, फिर ये हो जाती है चटपटी और चस्कारेदार हो जाती है नमकीन बोटी। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग गार्निश करते हैं इसे, और उसके बाद एक दो नींबू इसके ऊपर रख देते हैं हम लोग, फिर ये जो कस्टमर है वो अपने हिसाब से भी नींबू लगा सकता है इसके ऊपर। क्या बात है गिरीश भाई, जा गए आप, जा गए। अब आपके फैन है, आपके देखते रहते हैं, ठंडो आदम से वहाँ की सब्जी भी खानी है मुझे। सब्जी आए आप हमारे मेहमान, इंशाल्लाह कांटेक्ट करिएगा हमसे। अस्सलाम वालेकुम जिया भाई। जी भाई, एक जिया भाई बिरोही का अपना टेम्पो के। क्या बात है भाई, क्या बात है, हैदराबाद में फर्स्ट टाइम अपना बिरोही पे ये टेम्पो खुला हुआ है, चावल का बेहतरीन बेहतरीन। ये आप चेक करें, पूरी जो है ना वो दस्ती आई है, इसके नीचे जो है वो राइस है, कितने की? एक किलो है ये एक किलो जिया भाई, एक किलो की पूरी पूरी दस्ती है भाई, माशाल्लाह। और अभी और आइटम हमारे आ रहे हैं, लेकिन हम इसी से बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि जो है ना वो अभी काफ़ी सारे आइटम मुझे टेस्ट करने हैं। अल्लाह रहमान रहीम, वाह 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 वाह, भाई कुछ कहने के लिए जो है ना वो है नहीं। स्टीम किया इसको, उसके ऊपर मसाला लगाया, बहुत ही ज़बरदस्त था, उसके ऊपर कोयलों को इसको सेका गया, लीमू का तड़का लगाया गया, चटपटा मसालेदार, मलाई की तरह गोश्त,
देखें आप यार। ओए हो भाई अल्हम्दुलिल्लाह 3200 रुपए केजी है ये, और एक केजी मीट है तो एक केजी ही राइस आते हैं। और मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी जो है ना, वो जज्बात और अल्फाज जो है वो साथ नहीं दे पा रहे हैं, अभी मसला ये है। यही एक ये आइटम जो है ना खाली, यही इतनी ज़बरदस्त हाईलाइट है इस जगह की। ये बाकी आइटम तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा ये राइस के साथ भी मैं टेस्ट करूँगा। इस गोश्त की रखनी में ही राइस बनते ही है, राइस के साथ ही बड़ा मज़ेदार है भाई। लेकिन जो बात खाली मीट की है ना, उसकी बात ही और है भाई। ओए होए होए होए, आ रहा है मुंह में पानी आ रहा है, आना तो बनता है। ये आगे हमारा क्या भाई, ये अपने पकोड़े आगे, मटन पकोड़े। मटन पकोड़े जी, कितने हैं ये? ये आधा किलो है मटन पकोड़े। बहुत सारे लग रहे हैं यार ये। अच्छा, ये कोटिंग के बाद है? हाँ, ये बिल्कुल इसको डेकोरेट करके। तो 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 अरे नहीं यार, ऑफर है आप हमारे शहर में, बता दो तो केक होता है यहाँ की बेस्ट। अरे इसकी मोहब्बत है आपकी भाई, थोपल है हमारे लिए यार। और जी भाई, हैदराबाद की मशहूर है बड़ी ये। और ये दोनों साथ ही, जजाकल्ला भाई, थैंक यू सो मच। हसीब भाई है ये, इनका चैनल है क्या है आपका चैनल? हसीब फूड वाला। तो भाई इनको भी ज़रा सपोर्ट करें, अभी इन्होंने नया शुरू किया है। जजाकल्ला, थैंक यू। ये आ गया भाई हमारा मटन पकौड़ा, और मटन पकौड़ा जो है वो ब्रोस्ट की तरह जो है ना, इस तरह ब्रोस्ट के ऊपर एक लेयर होती है अंडे की, उस तरह इसके ऊपर लेयर है। लेकिन ये काफ़ी सारे मसालों, जिस तरह कढ़ाई के मसाले होते हैं उसी तरह से मसालों के अंदर इसको बनाया गया है। और ये मटन पकौड़ा जो है ना, ये नया आइटम है, ये मैंने पहले कभी खाया नहीं है। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। रोस्ट की तरह का ये है, इस तरह शादियों के अंदर जो होता है ना वो स्टीम रोस्ट बनता है, उस तरह का ये मटन रोस्ट है। मटन भी काफ़ी गला हुआ है, अंडे की उसके ऊपर लेयर है, मज़ेदार है। ये चटनी और ये तिल वाली मलाई बोटी, एक के बाद एक आइटम ज़बरदस्त से आते जा रहे हैं भाई, माशाल्लाह। ओए होए होए, ये मलाई बोटी, इसका भी बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोसेस था भाई। बारबेक्यू हुई, उसके ऊपर मलाई के साथ एक मसाला लगाया गया, उसके बाद फिर इसको बारबेक्यू किया गया, फिर इस पर मलाई डाली गई। बहुत ही हैवी ड्यूटी आइटम लग रहा है ये, बोनलेस चिकन। बिस्मिल्लाह। इस तरह हांडी होती है ना, हांडी के अंदर भी काफ़ी क्रीम होती है, चीज़ वगैरह होती है, उस तरह का टेस्ट आया मुझे। लेकिन ये बारबेक्यू हुआ हुआ है, मलाई की तरह ही है, मसाला वगैरह नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा जो मलाई है वो ज़्यादा लग रही है मुझे, थोड़ी क्वांटिटी मलाई ज़्यादा लग रही है, थोड़ा स्वीटनेस उसकी वजह से आ रही है। लेकिन काफ़ी हैवी है ये, क्योंकि बहुत मलाई की कोटिंग पे कोटिंग है। एक से बढ़ के एक आइटम है भाई, ये सारे ही आइटम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर अगर चूज़ करूँ ना अभी तो कढ़ाई वगैरह तो रेगुलर आइटम होते हैं, वो तो है ही, लेकिन ये यूनिक आइटम है। यूनिक आइटम है जो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको बंदे माशाल्लाह छोड़ेंगे भी और बैठे हुए लाएंगे। या भाई ये कढ़ाई है, कढ़ाई आ गई भाई, कढ़ाई आ गई। ये नान चेक करें, देखने में ऐसा लग रहा है ना नान, हाय 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 हाय। धनिया और अदरक की टॉपिंग हुई भी है भाई कढ़ाई के ऊपर, बहुत ही आला ज़बरदस्त टमाटर हरी मिर्चों के साथ बनी हुई कढ़ाई, ब्रोही स्टाइल। तो जो लकड़ी के ऊपर खाना बना होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है भाई। और इनकी ब्रोही की कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ट्रेडिशनल कढ़ाई है लेकिन इनका अपना टेस्ट है। यानी कि और भी जगहों पर हम कढ़ाइयाँ खाते हैं, कढ़ाइयों की काफ़ी सारी अकसाम है, लेकिन ये ट्रेडिशनल कढ़ाई है जो कढ़ाई होती है, तो बड़े मज़ेदार लजीज टेस्ट है। और जितने भी बकरे हैं वो बड़े मुनासिब साइज़ के हैं, तो गोश्त जो है ना वो ऐसा है कि बिल्कुल गला हुआ, कहीं से भी आपको जो है ना वो ऐसा नहीं लग रहा कि सख्त गोश्त है। वो गोश्त की क्वालिटी भी बहुत ही आला है, जो रश है यहाँ पे, जो माहौल बना हुआ है वो अपनी मिसाल आप है। टेस्ट होता है जब भी लोग आते हैं भाई,
लेकिन ये मटन पकौड़ा जो है ना, ये मेरे हिसाब से मटन की जगह चिकन पकौड़ा आप खाएं ना तो आपको वो चिकन ब्रोस्ट वाला, स्टीम ब्रोस्ट वाला वो टेस्ट आएगा। मटन में भी है लेकिन मटन के लिए हिसाब से मेरे ख्याल में पकौड़े की जगह ये कढ़ाई और जो दूसरे आइटम है मटन के नमकीन बारबेक्यू, उसमें मटन खाया जाए तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा बेहतर है। ये स्टीम पकौड़ा आइटम जो है वो चिकन के लिए ज़्यादा सही है। मेरी तरफ से भाई दमपोक कढ़ाई हाईली रिकमेंडेड, पकौड़ा खाएं तो मेरे ख्याल है चिकन के अंदर ज़्यादा खाएं, और मलाई बोटी भी बहुत अच्छी है लेकिन काफ़ी हैवी है, और मटन नमकीन और ड्रम स्टिक भी हमने बनते हुए देखी। ओवरऑल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब खाना है। बरोही बलोचिस्तान रेस्टोरेंट रश अपनी जगह बता रहा है कि भाई क्या बात है। अभी हम खाना फिनिश करेंगे और फिर वापस जाएंगे अपने शहर कराची। ज़बरदस्त हो गया भाई। तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम हुआ है। इदरीस भाई ने काफ़ी अच्छी सर्विस की माशाल्लाह यहाँ पे, और ये ज़रूरत होते ज़बरदस्त आप इनसे खाना बनवाएं, ये आपको खाना सर्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से, बहुत हसमुख आदमी है। सही इदरीस भाई, गुलाम अकबर, गुलाम अकबर भी है भाई यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस करते हैं माशाल्लाह ये दोनों भाई। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और ज़िया भाई की बड़ी बड़ी मेहरबानी जो कराची से हमारे पास ग्रे होटल पे आए और इन्होंने वीडियो बनाई और पूरी पब्लिक ने एंटरटेनमेंट किया इन्होंने, और इनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं और दिल से हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।